हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के शानदार से व्लॉग में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग होने वाला है मेरा हाफलॉन्ग का ट्रिप का व्लॉग, जो मुझे बहुत पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उसको मैं एडिट कर नहीं पाया ऑन द टाइम अपलोड नहीं कर पाया। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका, वो होने वाला है हाफलॉन्ग से गुवाहाटी तक का जो रिटर्न जर्नी था मेरा, उसके ऊपर। और अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं, वो होने वाला है हाफलॉन्ग का टूर का वीडियो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो रिसेंटली मैंने नया चैनल एक बनाया है, जिस पर आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दासवड़िया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करें। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैं आया हूँ हाफलॉन्ग में, और हाफलॉन्ग से एक्चुअली 2 बजे का टिकट था मेरा गुवाहाटी जाने के लिए कंचनजंगा एक्सप्रेस में, लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रेन लेट हो गया। लगभग 1-1.5 घंटा के आसपास वो ट्रेन लेट है, जिसका वजह से मैंने प्लेन में चेंज किया और मैं चला आया जतिंगा घूमने। और मैं फ़िलहाल अभी आया हूँ जतिंगा बर्ड वॉच टावर, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जिसपे जाके हम लोग थोड़ा सा नज़ारा लेंगे हाफलॉन्ग सिटी के। तो यहाँ पे घूमने के लिए वैन बेस्ट है और आपका बुलेरो भी है, तो आपको जो सुविधा बुझे उस हिसाब से आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर में वॉच टावर के पास और जाके घूमते हैं बर्ड सेंचुरी को। अरे भाई साहब, ये पहाड़ देख रहे हो आप? ओ माई गॉड यार, ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था। और ये रास्ता देखिए आप दोस्तों। तो जतिंगा के बारे में बता दूं, ये एक विलेज है जो लोकेटेड है डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट में, एंड आपको न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन से यहाँ तक आने में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आप पहाड़ों के बीच में होते हुए आएंगे अगर आप आते हैं तो। और यहाँ पे आप घूमने के लिए बहुत सारे जगह है, सर्किट हाउस है, हाफलॉन्ग लेक है दोस्तों। तो आप लोग को पता ही होगा क्लास 6, 7 या फिर 8 के आसपास में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग हम लोग सब पढ़े थे जतिंगा में जो बर्ड्स आके सुसाइड करते हैं। तो उसके बारे में मैं बता दूं, मैं जब आ रहा था तो मेरे ऑटो वाले जो भैया हैं वो मुझे बता रहे थे, लगभग सितंबर अक्टूबर का मंथ में जब फॉगी वेदर काफ़ी हो जाता है, तो शाम के 6 से 10 बजे का बीच में पूरा फॉगी वेदर होता है, और उस समय में क्या होता है, जो बल्ब वगैरह होती है उसको देख के बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और बल्ब के पास आके घूमते हैं, और उस सिचुएशन में वो बेहोश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और हालांकि ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और व्यू पॉइंट में पहुँच के फिर आपसे बातें करूँगा मैं। दोस्तों तो आप लोग को मैं बता दूं, हम लोग आए थे बर्ड वॉच टावर, और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये चेक करें आप, वो पीछे पूरा पहाड़ी पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ बर्ड वॉच टावर। और अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं वहां से ये दृश्य कैसा लगता है। ये जो सुंदर सुंदर पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इसके एकदम टॉप पे लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। वो जो जगह है एकदम छोटी पहाड़ का जो एकदम टॉप पॉइंट है, वहाँ पे जाके लोग ट्रैकिंग करते हैं। एंड ऑटो वाले जो भैया थे वो बता रहे थे कि वहाँ से पूरा सिलचर दिखाई देता है, और यहाँ से अगर आप सिलचर जाते हैं तो आपको 5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर में जाके पूरा सिलचर का नज़ारा आप ले सकते हैं सिर्फ हाफलॉन्ग में बैठे बैठे। दोस्तों ये जो नज़ारा है ना, ये देखने वाला नज़ारा है, और मैं आपको सच में बता दूं, इस जगह पे आप आइए, लैपटॉप ओपन कीजिए, एक कप कॉफ़ी लीजिए, और ये नज़ारा दिल खोल के एंजॉय कीजिए। और ये अभी देखिए सनसेट भी होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं जतिंगा का हाईवे ब्रिज, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं।
तो अभी हम लोग आए हैं जतिंगा ब्रिज में, और ये जो रोड है तो इस तरफ से आप गुवाहाटी जा सकते हैं और इस तरफ से आप सिलचर जा सकते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग हाईवे में हैं और हम लोग हाईवे से वापस जा रहे थे स्टेशन, और उसी दौरान हम लोग अभी आ पहुंचे हैं जतिंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज है वहां पे। ये हम हैं, ये पीछे हमारा हाफलोंग का पहाड़ है और नीचे पावड़ी हो रही है, पावड़ी। ये देखिए, वाह 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 वाह, क्या अनाउंस किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल ये जो नदी है उसमें पानी बहुत कम है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है उस समय में इस नदी में पानी पूरा फुल हो जाता है, एक भी जगह खाली नहीं रहता है यहाँ पे। वाह, ये इलाका पूरा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है यार, मतलब इसको द ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम क्यों बोला जाता है अब समझ में आ रहा है मुझे। अभी समय हो रहा है 4:18, और अभी हमें जाना है स्टेशन, और वहां से हमें विस्टाडोम ट्रेन पकड़ के वापस जाना है गुवाहाटी। दोस्तों तो हम लोग अभी हाफलोंग स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो यहां तक काजोल दा ने हमें छोड़ दिया और उन्होंने लगभग मोटा मोटी हाफलोंग का टूर तो करा दिया। एक्चुअली मेरा ही निकलने में देरी हो गया था, पहले प्लान कुछ और था लेकिन बाद में प्लान कुछ और बन गया, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो गया। तो काजल दा थैंक यू सो मच, आपने हाफलोंग का टूर कराया, नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊंगा तो पूरा हाफलोंग घुमाइएगा। अच्छा, पूरा हाफलोंग घुमाने का कितना लेते हैं आप ये बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को। 2800 ऐसे ले लेते, 2000 या 1800 लगेगा पूरा हाफलोंग आपको काजल दा घुमा देंगे, और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, एक बार कॉल वगैरह कर लेना। दोस्तों तो हम लोग फिलहाल अभी अपने कोच के पास खड़े हुए हैं, एंड अभी हम लोग का समय है यहाँ से निकलने का। और एक बात बता दूँ आपको, ये बहुत ही गर्म न्यूज़ है जो मुझे रेलवे का स्टाफ ने बोला, पीटी साहब ने बोला, एंड विस्टाडोम कोच के मैनेजर सर ने बोला, ये जो ट्रेन है इसको 22 तारीख से बदरपुर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये ट्रेन अब गुवाहाटी से हाफलोंग तक नहीं बल्कि बदरपुर तक चलेगी। इसके अलावा कल गुवाहाटी नहरलगुन तक का एक विस्टाडोम कोच कल से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, और परसों से वो ट्रेन स्टार्ट कर दिया जाएगा पब्लिक लोगों के लिए। तो यह बहुत गर्म न्यूज है, और अरुणाचल आई एम कमिंग सून। दोस्तों तो ये वीडियो में बस इतना ही था, और आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे तरफ से, अगर आप लोग लेना चाहें तो ये जो चश्मा मैंने पहना है ये है ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा, रिसेंटली मैंने लेंसकार्ट से परचेस किया था। तो अगर आप लोग ये चश्मा लेना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो ब्लू रेस होती है मोबाइल से, जो ब्लू रेस निकलती है और जो लैपटॉप टीवी वगैरह से जो ब्लू रेस निकलती है उसको ये काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, जिससे आपका आई सुरक्षित रहता है। तो ये चीज मैंने इसलिए पहना था ताकि आप लोग को दिखा सको, और दिखने में भी ठीक ठाक है, मुझे तो ठीक लगा। और एक चश्मा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो दोनों चश्मा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो दोनों चश्मा आप चेकआउट कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली परचेस कर लेना। तो आज के शानदार से ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ, बाय बाय।